प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है 2021 का ये दूसरा क्लास होगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे, विशेष रूप से 12th क्लास के बच्चों के लिए, कि बोर्ड का जो परीक्षा आ गया है, जो मात्र 20-25 दिन बचे हैं, उनमें हम लोग किस प्रकार से तैयारी करें ताकि अधिक से अधिक मार्क्स ला सकें। मैंने जैसे कि सरकार ने कहा है और मैंने भी उसका अध्ययन किया, तो मैंने पाया क्या कि अभी जो है 100 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे, मतलब 100% प्रश्न का अर्थ ये हो गया कि जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो नॉन प्रैक्टिकल विषय जैसे कि इतिहास हो या फिर सोशियोलॉजी हो या पोल साइंस हो इत्यादि विषय जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, वो आपको 50 के जगह पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मार्क्स आपको जो है 50 का ही मिलेगा और 50 का ही आंसर भी करना है आपको। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को खोने नहीं देना है। इतना ही नहीं, जो जितने भी प्रश्न आपसे पिछले साल पूछे जाते थे, वो सभी प्रश्न जो है दोगुना पूछे जाएंगे और दोगुना उसका जो है नंबर आपको जो है उस हिसाब से उत्तर मिल दिया जाएगा और नंबर मिलेगा। रहा बात कैसे क्या उत्तर करना चाहिए, मैं आज कॉमन बात करना चाहूँगा। कॉमन बात का अर्थ ये हो गया कि सभी विषयों के लिए कॉमन बात, फिर मैं अगली वीडियो में हर विषय को किस प्रकार से उत्तर देना है उसके विषय में आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं देख लूँ कि आज कॉमन बातें क्या हो सकती हैं, जो आपके मन में कन्फ्यूजन है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो उसको दूर करने का तरीका आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार ये 20 से 25 दिनों में कम से कम आप जो है जो आपकी तैयारी है उसके अलावा आप कम से कम मेरे विचार से निश्चित रूप से 5 से 10% आप अपने मार्क्स में इंक्रीजमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर अब तक की आपकी तैयारी 40% की हो गई है तो इस वीडियो देखने के बाद निश्चित रूप से 60% के आसपास या 50% के आसपास पहुंच जाएगी, क्योंकि बस टेक्निक जो है उस टेक्निक को पकड़ना है। तो चलो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहला बात कि ऑब्जेक्टिव जो आपको 100 मिलेंगे, जितने प्रश्न हैं आंसर करना उसका दोगुना मिलेगा, अर्थात अगर हिस्ट्री में 50 जो है 50% ऑब्जेक्टिव है तो 50 के जगह पर आपको 100 प्रश्न मिलेंगे और 100 में से कोई 50 का जवाब देना, ना कि सभी 100 का जवाब देना है। अगर आप 50 के जगह 60 प्रश्न का उत्तर सही सही जान लें फिर भी आप 50 प्रश्न का ही उत्तर देंगे, अगर आप 70 प्रश्न को जान लें फिर भी 50 का या 100 प्रश्न का उत्तर जान लें तब भी 50 का ही जवाब देना है। ये नहीं कि नहीं हमको तो सभी उत्तर पता था मैं सब दे देता हूँ, तो ये आपका गलत हो जाएगा फिर। तो आपको करना है कोई 50। हाँ, अगर मतलब कि अगर एक नंबर मैं जान रहा हूँ, दो नंबर जान रहा हूँ, फिर 3, 4, 5 नहीं जान रहा हूँ, फिर 10 नंबर जान रहा हूँ, 11, 12, 13 नहीं जान रहा हूँ, फिर 15 नंबर जान रहा हूँ, इस तरह से बीच बीच में हम कहीं पर भी कोई प्रश्न को छोड़ते हुए 50 प्रश्न का उत्तर देना है और आपको 50 में जो भी आप ढंग से उत्तर देंगे तो उतना मार्क्स आपको मिलेगा। जो नॉन प्रैक्टिकल विषय है जैसे ज्योग्राफी हो गया या होम साइंस हो गया या साइकोलॉजी हो गया, तो उसके लिए करना क्या है कि जितने प्रश्न जैसे कि 35 आपको जवाब देना है, 35 × 70 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 70 प्रश्न में से कोई 35 का आपको जवाब देना है और उसमें आप मार्क्स ला सकते हैं। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, आप इसको खोए नहीं और निश्चित रूप से आप क्या करें कि उन 35 प्रश्न का सही जवाब दे करके आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अब मैं चलता हूँ डिस्क्रिप्टिव की ओर। डिस्क्रिप्टिव में दो टाइप है, एक शॉर्ट टाइप और दूसरा लॉन्ग टाइप। शॉर्ट टाइप की चर्चा करते हैं। तो शॉर्ट टाइप में क्या करना है कि जितने प्रश्न पूछे जाएंगे जो नॉन प्रैक्टिकल विषय है उसमें आपको 15 का जवाब देना है। तो 15 का जवाब देना है मतलब कितने हो गए कि 15 × 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वैसे पिछले बार भी कुछ इसी प्रकार था, 25 प्रश्न था, इस बार 5 प्रश्न ही मात्र बढ़ा है, लेकिन जितना आंसर करना उससे दोगुना। तो 15 प्रश्न है तो उससे आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 में से कोई 15 का जवाब देना है। अब रहा बात कि किस कौन कौन 15 का जवाब देना है, क्या सीरियली देना है या कैसे, तो देखिए करना यह है कि सबसे पहले आपको 15 मिनट मिलता है पढ़ने के लिए प्रश्न पत्र को, जिसको कहा जाता है कि कूल ऑफ टाइम। मतलब क्या कि आप इस 15 मिनट का पूरा इस्तेमाल करें प्रश्न को पढ़ने में। कभी कभी होता है क्या है ना कि हम लोग प्रश्न को जानते हैं उत्तर, लेकिन हम प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, इस कारण से हम लोग को लगता है कि उत्तर नहीं पाता। मैं ऐसे कई विद्यार्थियों को जानता हूँ कि वो जब परीक्षा दे करके आए तो उन्होंने बताया कि ये प्रश्न, मैंने पूछा कि ये प्रश्न का उत्तर दिया तो कहा कि नहीं नहीं मैं तो नहीं जानता हूँ। मैंने कहा ये इसका उत्तर तो तुम जानते हो, ये होगा, तो उनको लगता है अरे जा मैंने क्या किया। मतलब कुल मिला के ये कि वो 15 मिनट का पूरा इस्तेमाल करें, हड़बड़ाए नहीं, आपके पास पर्याप्त समय रहता है, 3 घंटा 15 मिनट काफ़ी होते हैं। तो आप क्या करें उसको सरलता के साथ उसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। करें क्या कि आप जैसे एक नंबर में जान रहा हूँ तो एक नंबर का लिखूंगा, दो नंबर लिखूंगा, अगर 3, 4 नहीं जान रहा हूँ तो छोड़ देंगे, फिर 5 जान रहे हैं या 7 जान रहे हैं या 11 जान रहे हैं, जो आपको ढंग से सरलता से याद है आप उनका उत्तर लिखेंगे।
क्योंकि सामने वाला जो शिक्षक है वो आप उनको ठग नहीं सकते कि किसी प्रकार से कि वो मैं किसी भी प्रकार से उत्तर लिख दूं और वो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो जो सामने वाला आपको जो जांच करने वाला है, करने वाले हैं, वो आप बहुत विद्वान हैं, आप मात्र अभी 12th class में पढ़ रहे हैं। तो ये कभी भी भूल ना करें कि किस प्रकार से उनका उत्तर को करना है या नहीं करना है। रहा बात कि 15 यानी कि कोई भी 15 प्रश्नों का जवाब देना है, ये नहीं कि जो है जो भी मन में आया वही प्रश्न का जवाब देने चले गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। 15 कोई भी 15 सीरियली लिखने की भी आवश्यकता नहीं है कि नहीं एक के बाद दो ही लिखना है, दो के बाद तीन ही, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर 10 नंबर का प्रश्न का उत्तर जाने तो पहले 10 नंबर लिखें, अगर 5 नंबर का जान रहे हैं तो पहले 5 नंबर लिखें, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सीरियली ही लिखें। रहा बात कि कितने शब्दों में दें, तो शब्द क्या है कि वहाँ पर एकदम सरल भाषा में आपको इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, निर्देश लिखा हुआ है कि 30 से 50 शब्दों के बीच रखें और अपने शब्दों का प्रयोग करें। मतलब ये कि कई बच्चे होते हैं कि हूबहू रट्टा मार करके आ जाते हैं और वो लिख करके बड़ा संतुष्टि पाते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं नहीं मेरी भाषा है, सरल भाषा है, क्या इस पर मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ये भी बेवकूफ़ी है। आप क्या करें कि कोई भी चीज़ को किस प्रकार से कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। तो करना क्या, अरेंज करना है उसमें आप क्या करें, सबसे पहले 30 से 50 शब्द का अर्थ हो गया कि जो पेज आपको मिलेगा उस पेज में से 4 से 5 पंक्तियां, ये काफ़ी होता है। कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि नहीं नहीं एक पेज है तो उसका हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमको आधा पेज लिखना है या एक पेज लिखना है। कोई बच्चे अगर नहीं लिख पाते तो बड़ा अंदर से असंतुष्ट महसूस करते हैं या उनको अंदर से बड़ा कॉन्फिडेंस का अभाव रहता है, तो ऐसा नहीं है। आप क्या करें, जो प्रश्न जैसा पूछता है उसके हिसाब से पहले तो सटीक उत्तर देने का प्रयास करें। ये नहीं कि आप कुछ भी इधर उधर करके आप लंबा उत्तर लिख देंगे तो आपको लगता है कि मार्किंग होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि अगर कोई प्रश्न ऐसा आता है, एक मैं डेमो देता हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण का ही सिर्फ जवाब देना है, ना कि हम फिर उसमें डिटेल करने लगे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से हुआ है, उसमें कई कारण थे, उनमें से ये तात्कालिक, तो हम लंबा बनाने का प्रयास ना करें। क्योंकि सामने वाला जो जांच करने वाला है वो आपसे वो प्रश्न का उत्तर उतना ही मतलब चाह रहा है जितना कि उसको डिमांड है। आप जो है कुछ भी इधर उधर से अरेंज करके और उत्तर को बहका करके बड़ा लिख देने से आपको मार्किंग बल्कि इंप्रेशन खराब होगा, मार्किंग तो छोड़ दीजिए, दूर की बात है। तो कुल मिला के जितना सटीक हो उतना सटीक देना है। हाँ, वो शब्द जरूर 20 से 50 के बीच, 30 से 50 के बीच हो। अगर कभी कोई ऐसे प्रश्न है जिसका उत्तर मात्र 20 शब्द में हो जाते तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपका उत्तर गलत हो गया और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, सटीक मार्क्स मिलेंगे। तो आप क्या करें, सरलता के साथ 30 से 50 शब्दों में उत्तर दें। और ये 30 से 50 शब्द कैसे हो जाएंगे, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको कितना करना है, मात्र 4 से 5 पंक्तियाँ लिखना है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आ जाते हैं लॉन्ग टाइप की ओर। लॉन्ग टाइप में आपको मैं पहले ये बताना भूल गया कि जो प्रैक्टिकल विषय है उसमें क्या करना है। तो प्रैक्टिकल विषय में फिर आपको जो है 10 प्रश्न रहेंगे, 10 प्रश्न मतलब आंसर करना है। तो 10 × 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न में से कोई 10 का उत्तर करना है और प्रत्येक के लिए फिर 2 नंबर मिलेंगे और इसका भी वही प्रक्रिया से आपको उत्तर देना है। रहा बात जो है ये डिस्क्रिप्टिव में लॉन्ग टाइप के लिए मैं देख रहा हूँ, तो लॉन्ग टाइप में आपको जो नॉन प्रैक्टिकल विषय है यानी कि जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसको क्या करना है, उसमें से आपको कोई 4 प्रश्नों का जवाब देना है। तो 4 प्रश्न का जवाब देना है तो आपसे पूछा जाएगा 8 प्रश्न में से कोई 4 का जवाब देना है, प्रत्येक के लिए 5 नंबर रहेंगे तो 5 × 20 नंबर इधर से मिल गए। आप इसको कितने शब्दों में जवाब देना है, तो इसके लिए है वहाँ निर्धारित है कि आप 100 से 150 शब्दों में दें। तो 100 से 150 शब्द कितने पेज का हो गया, तो अमूमन आपको 1 से 1.25 पेज जाएगा। आप अगर ढंग से लिखते हैं तो 1 से 1.25 पेज जाएगा, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रश्न को समझें और एनालिसिस करके लिखें। इसके बाद आ जाता है कि डिस्क्रिप्टिव के बाद अगर प्रैक्टिकल विषय है तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको 3 प्रश्न का जवाब देना है और पूछा जाएगा 6 प्रश्न, 6 में से N3, तो उसमें से प्रत्येक पर फिर 5 नंबर है, 5 × 3 = 15 नंबर हो गया। तो इस तरह से आपका ये प्रक्रिया है कि आप उत्तर दे करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। कुछ कन्फ्यूजन है, जल्दी से उसको हम लोग दूर कर लें। वो कन्फ्यूजन ये है कि सबसे पहले कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि पेज भरने के चक्कर में क्या करते हैं कि एक शब्द यहाँ लिखते हैं फिर दोनों के बीच में एक गैप रहता है,
यानी कि एक शब्द लिखा, और जैसे कि मैं अगर आपको बोर्ड पे बता पा रहा हूँ तो राम आम खाता है। अब जो शब्द सरलता के साथ राम आम खाता है होना चाहिए, उसके लिए आपने ये सब छोड़ना शुरू कर दिया। इससे क्या लग रहा था कि आपको पेज भर जाएंगे और आपका इम्प्रेशन जम जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि आपका इम्प्रेशन इसमें जमेगा, इसमें नहीं जमेगा, क्योंकि सामने वाला को आप एकदम ना समझे कि वो बेवकूफ़ है। सामने वाला विद्वान है, वो आपका कॉपी जांच रहा है, आप मात्र 12th क्लास में हो, पहली बार परीक्षा दे रहे हो, और ये सामने वाला जो है अपना जीवन इसी में खपाया है। तो ये कभी भूल ना करे कि नहीं, सामने वाले को किसी तरह से ठग करके और नंबर ले लें, इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। तो जांचने वाले का क्या होता है, औसत मार्क्स दे करके आपको फिर पास आउट कर दिया जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ आपको हासिल नहीं होने वाला। अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो आप तरीका से और ज्ञान के साथ लेके चले। तो ये इस तरह से आप उत्तर दें तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। आप क्या करें कि जो है आपका जो प्रश्न का जो उत्तर पुस्तिका मिलती है, उत्तर पुस्तिका में को आप चौथाई, जैसे कि ये अगर उत्तर पुस्तिका है तो इसमें मैं इसको चार भाग में फोल्ड कर दूंगा। तो कुछ बच्चे क्या फिर करते हैं कि इस भाग को तो छोड़ते ही हैं, जो छोड़ना भी चाहिए, और इस भाग को भी छोड़ देते हैं, मात्र इस भाग में लिखते हैं। तो उनको लगता है कि पेज ज़्यादा भर जाएगा, या किन्हीं के कन्फ्यूजन के कारण कोई उनको शायद सलाह देते होंगे कि नहीं नहीं इधर भी छोड़ना चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, आप बस इधर का जो है छोड़ देना है, बाद में कि आपका पास पूरा पृष्ठ है, आप उसका पूरा उत्तर लिखें, ऐसा कुछ ना करें जिससे कि आपका इम्प्रेशन खराब हो जाए। तो हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको पार्टिकुलर विषय के विषय में बताऊंगा कि हिस्ट्री के विषय में, ज्योग्राफी के विषय में, इत्यादि और विषयों के विषय में, कि आप किस प्रकार से लिखेंगे जिससे कि आपको अधिक से अधिक मार्क्स हासिल हो सके। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।